स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। That's not a good sign. मानवी, इसका मतलब आपका कैंसर फैल चुका है। मानवी, आपका कोई भाई या बहन हो जो आपको बोन मैरो डोनेट करने के लिए तैयार हो? ऊपर वाले के हाथ में नहीं, तेरी डोर मेरे हाथ में। मतलब आप मेरी भगवान हो? 17 सालों से तू मुझसे राखी बांधते आई है। तेरी डोर वो राखी की डोर है जिसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। ढलता हुआ सूरज कितना अच्छा लगता है ना विराट, ऐसा लगता है किसी ने ना आसमान में पेंटिंग कर दी। तुमने कभी उगते हुए सूरज को देखा? वो इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी स्माइल की तरह। एक बात पूछो विराट, तुम्हें कभी लगा नहीं कि तुम किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए? मतलब जो बीमार है उसका आगे कोई फ्यूचर नहीं है, पता नहीं कब तक जिएगी भी या नहीं। तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होता मुझसे प्यार करके? तुम्हारे मन में ये सारे सवाल नहीं उठते? नहीं, क्योंकि मैंने ये सब जानबूझकर किया। वो क्या है ना, बचपन से मेरी एक तमन्ना थी कि मैं जिंदगी में कोई ऐसा काम करूं जिससे मेरी वाहवाही हो, मेरी ना सब मेरी तारीफ करें। तब जब लोगों को पता चलेगा कि मैं एक कैंसर पेशेंट से प्यार किया है, बल्कि उससे शादी भी करने वाला, तो लोग क्या शाबाशी देंगे यार। प्यार हो तो विराट जैसा, और मेरा नाम प्रेम ग्रंथों सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा विराट, और मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊं। ये बात किसी को बताना मत, वरना बेवजह सब करा कराया वेस्ट हो जाएगा। मैं तुम्हारे सारे प्लान्स ना फेल कर दूंगी। मैं ना मरूंगी नहीं ताकि तुम अमर हो सको। हमेशा तुम्हारे पास रहकर ना तुम्हें इतना पकाऊंगी कि तुम बिल्कुल परेशान हो जाओगे। ये मानवी कोल का जोड़ इतनी आसानी से छूटेगा नहीं। अच्छा मैडम, ये विराट कोल का जोड़ है जो कभी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मैं तुम्हें जिंदगी में तो क्या, अगले जन्म में कुछ नहीं होने दूंगा।
डॉक्टर के पास जाने का टाइम हो गया, रेडी हो जा। पता नहीं आज क्या होने वाला। डोंट वरी, आई एम ग्लैड इज इट नॉट अ फेयर। फिर से एक नया हॉस्पिटल, एक नया डॉक्टर। पता नहीं इस हॉस्पिटल के चक्कर से कब छुटकारा मिलेगा। अब हाय एक्सक्यूज मी, हमारा डॉक्टर राहुल मेरे से अपॉइंटमेंट था। उनका कैबिन किधर है? आगे से राइट चाहिए, सामने उनका कैबिन है। ओके थैंक यू। दादाजी, स्वामी पुर, आप सब लोग यहाँ? हाँ बेटा, बेटा वो जो करेले का जूस तुमने अपने हाथों से मुझे पिलाया था ना, उसकी मुझे आदत सी पड़ गई है। अब सारी जिंदगी हर रोज तुम्हें वो जूस मुझे पिलाना पड़ेगा। वादा करो बेटा, तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। जी आपको पता है, मैं बचपन से लेके आज तक भगवान से लड़ाई करती आई, क्योंकि उन्होंने इतनी सी उम्र में मेरे मम्मी पापा को मुझसे छीन लिया। पर दादाजी आज उसी भगवान को थैंक यू बोलना चाहती हूँ दादाजी, क्योंकि उसने आप जैसे लोगों से मुझे मिलवाया। बड़ों का साया मेरे सर पे आने दिया दादाजी। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मैं आप लोगों का ये जेस्चर सत की बार नहीं भूलूंगी दादाजी, सत की बार। जीते रहो बेटा, रो मत बेटा, हम सब ने मिलकर भगवान से तुम्हारे लिए सच्चे मन से दुआ मांगी है, वो हमारी दुआ जरूर कबूल करेगा। नहीं सुनेगा, मुझे लगता है भगवान बहरा हो गया है। अगर वो हमारी सुनते तो मानवी दीदी कब की ठीक हो चुकी होती। ओए डब्बे, क्यों रो रहा है? रोने से कुछ होएगा क्या? अगर रोने से मेरा कैंसर ठीक होता ना, तो मैं तेरे से ज्यादा फूट फूट के रोती। और मेरे भाई तू बोलता है ना, पुष्पा आई हेट टीयर्स रे। चल रोना बंद कर, पागल है। दादाजी मैं आप सब लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोग मेरे लिए यहाँ तक आए। आपको पता है मेरी हिम्मत अब डबल हो चुकी है। कितना हौसला मिला आप लोगों को यहाँ देखकर। अब मेरे अंदर का जो डर था ना, वो भी पता नहीं मिस्टर इंडिया बन के गायब हो चुके हैं दादाजी। अब मैं किसी चीज से नहीं डरूंगी, ना इंजेक्शन से, ना किसी तरह के टेस्ट से। और इस कैंसर की वजह से छुट्टी हो जाएगी दादाजी। चलिए हम सब चल के ना
इस डॉक्टर के कैबिन पे हमला करते थे। कल शाम के दो अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल कर दीजिए जी। नहीं, कल शाम को मेरी एक इंपॉर्टेंट सर्जरी। यस, नो नो मोर अपॉइंटमेंट फॉर टुमारो। थैंक यू। डॉक्टर मेहरा, हाय, मेरा नाम वीरेन बडेर है, मैंने आपको फोन किया था। ओ हाय। अब लेकिन आप लोगों में से पेशेंट कौन है ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। डॉक्टर साहब, ये मानवी है, हम सारे इसी के साथ आए हैं इसके इलाज के लिए। अगर आपको कोई एतराज है तो हम यहाँ से जा भी सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। आप लोग आराम से बैठिए प्लीज। मानवी, वीरेन ने मुझे सारी रिपोर्ट्स ईमेल कर दी थी। आई हैव चेक्ड देम थॉरली। लेकिन कुछ भी कहने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, इफ यू ओके विद दैट। प्लीज डॉक्टर, ये पूरी फैमिली मेरी अपनी है, इनके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, आपके 3 कीमो सेशंस हो चुके हैं। आप मुंबई के जाने पहचाने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर भारद्वाज के पास भी गई थी इलाज के लिए, लेकिन फिलहाल आपका कैंसर किस पोजीशन में है ये जानने के लिए मुझे ये सवाल पूछने। आपको कभी सांस की प्रॉब्लम हुई है, एज इन ब्रेथलेसनेस? होता है। शरीर पे स्वेलिंग या कोई लाल निशान या कुछ? जोड़ों का दर्द, आई मीन चक्कर आ जाना या आंखों के सामने अंधेरा आ जाना? यस डॉक्टर, इनफैक्ट आज ही हुआ था ये चक्कर आए थे। दैट्स नॉट अ गुड साइन। इसका मतलब आपका कैंसर फैल चुका है। वैसे मैं कल कुछ और टेस्ट करूंगा, पर इट्स ऑलमोस्ट क्लियर। आप कहना क्या चाहते हैं? डॉक्टर साहब, आपको जो भी कहना है बिना किसी हिचकिचाहट के कहिए। डॉक्टर, इसका कोई तो सलूशन होगा ना, कोई तो इलाज। एक सोल्यूशन है, इनका कैंसर जिस हद तक बढ़ गया है इनकी जान बचाने के लिए एक तरीका है। डॉक्टर, वो तरीका क्या है?
बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जरी। डॉक्टर, बोन मैरो? एंड ट्रस्ट मी, मानवी के कैंसर के इलाज के लिए पूरी दुनिया में बस एक यही तरीका है। मानवी इस इलाज से निश्चित तौर पर ठीक हो जाएगी। डेफिनेटली, बोन मैरो से ही हमारी बॉडी में हेल्दी ब्लड सेल्स बनते हैं जो सारे शरीर में फैल जाते हैं। मानवी के केस में इनका बोन मैरो उनके कैंसर की वजह से डैमेज हो चुका है, इसलिए इनकी बॉडी हेल्दी ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। अगर हम ऑपरेशन करके इनकी बॉडी में हेल्दी बोन मैरो डालते हैं तो वापस इनकी बॉडी हेल्दी ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी और इनका कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बोन मैरो मिलेगा कहाँ? इसके लिए हमें एक बोन मैरो डोनर ढूंढना होगा। तो डॉक्टर, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप मेरा बोन मैरो निकालकर मानवी में फिट कर दीजिए। ऐसे नहीं होता। आपका बोन मैरो मानवी के बोन मैरो से मैच होना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरा बोन मैरो ले लीजिए। जी डॉक्टर, देखिए हम सब बोन मैरो देने के लिए तैयार हैं, आप हम में से किसी से भी ले लीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, प्लीज आप देर मत कीजिए। देखिए, एक कॉम्प्लिकेशन है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट इतना आसान काम नहीं, ये बहुत जेनेटिकली कनेक्टेड होता है और मैचिंग डोनर ढूंढना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आप पेशेंट का कोई भाई या बहन जिनके साथ इनका खून का रिश्ता हो तो ये काम बहुत आसान हो सकता है। आखिर बहनों में आपकी खून का रिश्ता है हमारा। मानवी, आपका कोई भाई या बहन हो जो आपको बोन मैरो डोनेट करने के लिए तैयार हो? तेरी डोर कोई ऊपर वाले के हाथ में नहीं, तेरी डोर मेरे हाथ में। मतलब आप मेरे भगवान हो? 17 सालों से तू मुझसे राखी बांधते आई है। तेरी डोर वो राखी की डोर है जिसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।